अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू सैमज किचन। आज जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है मटन निहारी। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन निहारी के लिए सबसे पहले मैं 1 कप पूरा ऑयल का डालूंगी। आप चाहे तो घी में बना लें। ये 1 कप मैंने ऑयल का डाला और इसमें मैं एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैं इस तरह स्लाइस करके डाल रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा हल्का सा कलर आने तक पकाएंगे। अब देखें थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हुआ है। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। ये मेरे पास मटन है, ये 1.25 किलो के करीब है मेरे पास मटन। ये इसमें डाल दूंगी। गोश्त डाल के अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डाल के अब मैं इसको 10 से 15 मिनट इसी तरह ऑयल में भूनती रहूँगी, क्योंकि ये निहारी है, बाद में इसको नहीं भूनना। सारी बुनाई इसकी पहले होगी, क्योंकि बाद में इसका गोश्त इतना ज़्यादा गला होगा कि उसको हम भून नहीं सकेंगे। इसको तकरीबन 15 मिनट हो गया, मैं इसी तरह इसको ऑयल में अच्छी तरह गोश्त भून रही हूँ। अब इसमें मैंने हरी मसाला डालूँगी। ये 3 टेबलस्पून हरी मसाला है, होममेड, जो मैं पहले बनाना बता चुकी हूँ आपको। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप इसी तरह मेरे चैनल पर जाके यानी हरी मसाले की वीडियो ले सकते हैं। अब यानी हरी मसाला 3 टेबलस्पून जो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह भून लूँगी मैं। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डालूँगी और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और इसको मैं इसमें फिर से 10 मिनट तक भून लूँगी। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। मैं इसी तरह मसाला डाल के भी मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये दूसरा ग्लास इसमें डाल दिया पानी। देखें 2 ग्लास पानी डाल के अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा दूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गलना चाहिए। ये 20 से 25 मिनट हो गए हैं मैंने प्रेशर लगा के रखा हुआ था। अब मैं ये प्रेशर का ढक्कन खोलने लगी हूँ। देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। नमक वगैरह आप देख सकते हैं, अगर कम है तो वो डाल सकते हैं। ये गोश्त को भूनते वक्त मैंने 1/2 कप ऑयल निकाल के साइड पे रख लिया था। अब ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी गरम मसाला। 3 टेबलस्पून मैंने आटा लिया था जिसको मैंने तवे पे भून लिया था। इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल के और इसको आप इसका मैंने ये देखें बैटर बना लिया है पतला सा। अब मैं ये इसमें डालूंगी। अब ये इसमें सारा मैं ये आटे का पतला सा बैटर डाल दूंगी। ये देखें अब मैं इसको थोड़ा पकने दूंगी ताकि आटा हमारा कच्चा ना रहे, ये अच्छी तरह इसमें पक जाए। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह पकने दूंगी हल्की आंच पे और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। ये इसको 4 से 5 मिनट हो गया, मैंने हल्की आंच पे आटा डाल के ढक दिया था। ये देखें ये इतना थिक हमारा निहारी का मसाला होना चाहिए। ये ग्रेवी देखिए कितनी थिक है, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं करनी। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट करती हूँ। निहारी हमारी जो पक गई थी इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब जो मेन चीज़ आपको बताऊँगी वो इसकी गार्निश है। मैं इसके ऊपर डालूंगी फ्राई प्याज थोड़ी सी, जिससे निहारी का जायका डबल हो जाएगा। ये मैंने प्याज फ्राई डाल दी। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें कटी हुई, और ये लंबाई में कटी अदरक।
और ये साथ उसके ऊपर हम नींबू रखेंगे, और ये जो मैंने तरी निकाली हुई थी इसकी, ये इसके ऊपर डालूंगी मैं, जो ये निहारी की जान है। मटन निहारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।